जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है मंगल के दुष्प्रभाव के कारण, हाँ, और इतना आवेश बढ़ जाता है कि हाथ पैर भी थर थराने लगते हैं, कांपने लगते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और उसमें वह कोई गलत कदम भी उठा लेता है। जाहिर सी बात है कि ऐसे लोगों का उपचार भी बहुत ज़रूरी है। तो अब उपचार क्या हो सकता है, तो उसको शांत करने के लिए तो कई तरीके हैं। तो उसमें एक तरीका तो यह है कि वैसे को गर्म भोजन नहीं दिया जाए, यानी बहुत जो गर्म मसाला होता है उन सब का प्रयोग नहीं किया जाए। जैसे कि मान लीजिए कि लाल मिर्च है, काली मिर्च है, हाँ, जितने भी मिर्च हैं, या अदरक है, लहसुन है, तो इन सब का प्रयोग उसको नहीं कराया जाए। और दूसरी बात है कि उसको प्रयोग क्या कराया जाए, उसको क्या खिलाया जाए, पिलाया जाए, तो गुलाब की पंखुड़ी, कमल की पंखुड़ी, घृत कुमारी यानी एलोवेरा जिसको कहते हैं, उसका जो जेल होता है उसको दिया जाए, शंख पुष्पी दिया जाए, ब्राह्मी दिया जाए, हाँ, तो इन सब का अगर प्रयोग किया जाए, चाहे जो उड़हुल का फूल होता है इसको खिलाया जाए, तो इसकी मात्रा जो है तकरीबन जो है अगर वयस्क है वह तो 50 ग्राम तक भी हो सकती है, 50 ग्राम तक भी खिला सकते हैं सुबह और 50 ग्राम शाम को खिला सकते हैं। गर्म पानी उसको बहुत नहीं दिया जाए, सादा पानी दिया जाए, तो इसका ध्यान रखा जाए। अब इसके बाद योग की जो क्रिया है तो उसमें बताता हूँ कि एक अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है उसको किया जाए, एक चतुर्थ प्राणायाम होता है उसको किया जाए, शीतली प्राणायाम है, शीतकारी प्राणायाम है, और कवि प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है। अब इन प्राणायामों को तो मैं अभी यहाँ करके नहीं दिखा सकता, मैंने सिर्फ नाम बता दिया है। हमारे YouTube में हमारे वीडियो हैं, आप वहाँ जा कर के इन प्राणायामों को देख सकते हैं, जान सकते हैं, या सीखना है तो हमारे वहाँ आ जाएंगे तो मैं सिखा दूँगा। तो इतने से जो है उसका कंट्रोल हो जाएगा। और एक मुद्रा बतला देता हूँ जो कि बहुत आसान है, और उसको करेगा तो उसका प्रभाव तो तुरंत ही दिखता है, तुरंत ही दिखेगा। जैसे कि यह जो उंगली है, तर्जनी उंगली और अंगूठा, इसका छोर को सिर्फ मिला देना है, बाकी उंगलियां खुली रहेंगी। ये जो मुद्रा है वैराग्य मुद्रा इसको कहते हैं, और ऐसे यहाँ रखा जाता है। तो वो जब भी गुस्सा आता है अगर आप इसको सटा देते हैं, दबाना नहीं है, ये ध्यान रहे, सिर्फ सटना चाहिए। जिसको भी बहुत गुस्सा आता है अगर वो सिर्फ इसे सटा देगा तो गुस्सा शांत हो जाएगा। अधिकतर आप साधु संतों को देखेंगे इस मुद्रा का प्रयोग करते हुए, क्योंकि यह जो है ये बिल्कुल ही शांत कर देता है। ये जो है ये उंगली जो है हम लोग की आदेश देने वाली उंगली होती है, ये गुरु की उंगली होती है, आदेश देने वाली होती है। इसके साथ अगर मंगल आ जाएगा तो क्रोध प्रचंड हो जाएगा और आदेश उसका बहुत खतरनाक हो जाता है। तो यह जो है इसको इसके साथ सटा देंगे तो उसका प्रभाव जो है शांत हो जाएगा और नियंत्रण में हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि श्वास को हम धीमा कर लें, इसे बहुत तेज से सांस नहीं लेनी है, बहुत धीमे धीमे आहिस्ते आहिस्ते सांस लें, आहिस्ते आहिस्ते सांस छोड़ें। इस तरह से सांस छोड़ना है कि हमें सांस की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। इस तरह से सांस को जब हम चलाएंगे तो क्रोध एकदम शांत होने लगेगा। आँख को बंद कर लेना है, आँख को खोलना नहीं है। क्रोध का बहुत बड़ा कारण आँख का खुलना भी होता है। आँख जितनी ज़्यादा खुली रहेगी क्रोध उतना प्रचंड होता जाएगा, आँख जितनी बंद रहेगी क्रोध उतना शांत रहेगा। तो सांस को संयत करें, सांस को धीमा कर दें, इतना धीमा कर दें कि आपको अपनी आवाज़ नहीं आए, इन दोनों को सटा लें। ये तत्काल के लिए मैं कह रहा हूँ, तुरंत अभी क्रोध आया तो तुरंत करने के लिए है, और उसको लगातार जो है बराबर इसका अभ्यास करेंगे तो उससे ठीक हो जाएगा। और जो मैंने खाने के लिए बोला और जो औषधि बताई उसका प्रयोग करेंगे तो बिल्कुल ही जो है मंगल का जो दुष्प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है। तो बात समझ गए।